गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, बीपीएस पब्लिक स्कूल कोटा प्रयागराज। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल के क्लास में हम साइंस में आप लोगों को बताए थे हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में, आप लोगों को बताए थे और होमवर्क भी दिए थे, जिसमें से कुछ बच्चे होमवर्क करके रिप्लाई भी दिए थे। ये बहुत अच्छी बात है। और फिर बच्चों, जैसे कि आज हम आप लोगों को बताएंगे संवेदी अंग तथा उनके कार्य। आज का हमारा टॉपिक है साइंस में संवेदी अंग तथा उनके कार्य। संवेदी अंग तथा उनके कार्य, जिसकी अंग्रेजी संवेदी की अंग्रेजी होती है सेंस, अंग की आर्गन एंड देयर फंक्शन, यानी तथा उनके कार्य, सेंस आर्गन एंड देयर फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे संवेदी अंग कितने हैं, हमारे संवेदी अंग शरीर में संवेदी अंग कितने हैं। तो हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं, जैसे हमारा पहला टॉपिक है हमारा शरीर के संवेदी अंग, हमारे शरीर के संवेदी अंग। सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, सेंस ऑर्गन, यानी शरीर के संवेदी अंग। तो हमारे शरीर में प्यारे बच्चों 5 संवेदी अंग होते हैं। हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं, 5 होते हैं। पहला है हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं, अंग होते हैं। हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं, 5 संवेदी अंग होते हैं। यही संवेदी अंग किसी भी कार्य की सूचना हमारे मस्तिष्क को देते हैं। किसकी सूचना देते हैं, किसी भी कार्य की सूचना हमारे मस्तिष्क में, कहां पर होती है, हमारे मस्तिष्क में। जैसे हमारे संवेदी अंग कौन है, जैसे कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, ये सब हमारे क्या है, संवेदी अंग है। जैसे कान से यदि हम सुन रहे हैं, कोई हमको आवाज दे रहा है तो हम सुन रहे हैं, इसकी सूचना हमारे मस्तिष्क में जा रही है कि हाँ कोई बुला रहा है, कोई हमको आवाज दे रहा है। यदि नाक से हम कोई चीज सूंघेंगे तो इसकी सूचना हमारे मस्तिष्क में जाएगी, और आंख से किसी भी वस्तु को हम देखेंगे तो
कि वो वृक्ष है, तो वो वृक्ष है इसकी सूचना हमको कैसे पता चली? हम आँख से देख रहे हैं क्योंकि ये संवेदी अंग है, इसीलिए हमारे मस्तिष्क में जा रही है कि हाँ वो वृक्ष है। और जीव से हम किसी भी चीज की स्वाद लेंगे तो वो हमारे मस्तिष्क में जाएगी। और त्वचा, जैसे हम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को पकड़ेंगे या अपने हाथ को भी पकड़ेंगे तो ये हम क्या पकड़ रहे हैं? त्वचा पकड़ रहे हैं। त्वचा पकड़ रहे हैं तो हम क्या, हमको क्या पता चल रहा है? इसकी सूचना हमारे मस्तिष्क में जा रही है कि हम त्वचा को पकड़े हैं। यदि हल्की सी चोट हमारे त्वचा में लग जाए तो यह सूचना हमारे मस्तिष्क में जाएगी, हाँ हमारे शरीर में चोट लग गई है। तो ये हो गया संवेदी अंग। तो आइए हम चलते हैं बाहरी और भीतरी अंगों के बारे में। सबसे पहले कुछ हम बाहरी अंग क्या है हमारे और भीतरी अंग क्या है उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे दूसरा है बाहरी अंग, अंग और भीतरी अंग, भीतरी अंग। बाहरी और भीतरी अंग के बारे में, तो बाहरी अंग जिन अंगों को हम बाहर से देखते हैं, जिन अंगों को हम बाहर से देखते हैं उन्हें बाहरी अंग कहते हैं। और जैसे हम बाहरी अंग को जैसे देख लिए, हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, हमारा कूल्हा हो गया, ये सब हमारे शरीर के बाहरी अंग हैं। हमारा कान हो गया, ये सब हमारे शरीर के बाहरी अंग हैं, बाहर हैं, हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और जिन अंगों को हम नहीं देख पाते वो हमारे क्या हैं? भीतरी अंग हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, शरीर के बाहरी और भीतरी अंग। तो हमने बताया जिन अंगों को हम बाहर से देखेंगे उन्हें हम बाहरी अंग कहेंगे, जैसे हमारा पैर हो गया, कूल्हा हो गया, जो अंग हम ऊपर अपने देख रहे हैं बाहर से वो हमारा बाहरी अंग हो गया। और जिन अंगों को हम नहीं देख पा रहे हैं वो हमारा भीतरी अंग हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स, जिसको हम आंतरिक अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक अंग। जैसे हमारा आंतरिक अंग क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंग, जैसे हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, और तो आंत हो गया, और हमारा मस्तिष्क भी है। मस्तिष्क भी हमारा आंतरिक अंग है, तो ये हमारे शरीर के भीतरी अंग है। और कुछ अंग इनमें प्यारे बच्चों हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बने हैं। हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे भी हैं जो हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बने हैं, जैसे हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, हमारी उंगली हो गई, ये सब हमारे शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों दोनों से मिलकर बने हुए हैं। और कुछ अंग ऐसे हैं जो केवल मांसपेशियों की मदद से ही बने हुए हैं, जैसे हृदय हो गया, आंत हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब हमारे शरीर के मांसपेशियों के सहायता से ही मिलकर बने हैं। और जैसे हम हमारे शरीर के अब आ गया कुछ अंग जो कार्य करते हैं, कुछ अंगों के कार्य, जैसे किसी भी हमारा शरीर प्यारे बच्चों एक अद्भुत है, हमारा शरीर अद्भुत है, प्रकृति की देन है, बहुत ही अद्भुत है। जैसे किसी मशीन को, जैसे किसी मशीन बहुत सारे पुर्जे उसको मिलकर एक साथ काम करते हैं। किसी भी मशीन में को देखो, जैसे उसके हर एक पार्ट अलग अलग प्रकार के पार्ट हैं, सब एक साथ मिलकर
जैसे हमारा पहला जो है मस्तिष्क, हमारे शरीर का पहला अंग क्या है? मस्तिष्क। दूसरा क्या है? हृदय। तीसरा क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा। चौथा क्या है? आंत। ये सब हमारे शरीर के ऐसे पार्ट हैं जो सुचारू रूप से कार्य करते हैं, हमारे शरीर को अच्छे से कार्य करने में मदद करते हैं। मस्तिष्क, जैसे पहला हो गया मस्तिष्क, मस्तिष्क हमें सोचने का कार्य करती है, मस्तिष्क हमको सोचने का कार्य करती है और साथ ही हमारे शरीर को नियंत्रण भी रखने का कार्य करती है, हमारे शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। जैसे हम कहीं चल रहे हैं पैदल, हम किसी पगडंडी पर पैदल चल रहे हैं, यदि हमारा शरीर का कोई अंग पैदल चल रहे हैं, शरीर का हमारा पैर पगडंडी के नीचे गया, स्लिप कर गया, तो हम सीधा हमारे मस्तिष्क पर इसकी सूचना पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? मस्तिष्क पर, कि हाँ हमारा पैर पगडंडी के नीचे चला गया है, हम गिरने वाले हैं, तो हम तुरंत संतुलित हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, अपने शरीर को कंट्रोल में रख लेते हैं कि हम गिरेंगे नहीं, गिरे नहीं, इसकी सूचना हमको पहले ही मस्तिष्क में पहुंच जाती है, तो हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रण भी रखती है और कोई भी कार्य करते हैं तो पहले हम सोचते हैं, तो सोचने का भी कार्य करती है। अब दूसरा हो गया हृदय। हृदय हमारे शरीर की पंप की भांति कार्य करती है, हृदय पंप की भांति कार्य करती है। जैसे कोई पंप है, हम उसको दाबेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तब उसमें हम किसी भी वस्तु में हम हवा डाल देंगे, जैसे पहिए में हम हवा डालते हैं, ऊपर नीचे पंप करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में हृदय पंप की भांति कार्य करता है और यह शरीर के सभी अंगों पर, यह शरीर के सभी अंगों पर रक्त पहुंचाता है, हमारे शरीर के सभी अंगों पर रक्त पहुंचाता है और उस रक्त को, उस रक्त की सफाई भी करता है। कौन? हृदय। हृदय हमारे शरीर के सभी अंगों पर रक्त पहुंचाता है और उस रक्त की सफाई भी करता है। ठीक। अब जैसे है फेफड़ा, फेफड़ा हमारे शरीर में गुब्बारे की तरह होता है, गुब्बारे की तरह कार्य करता है। जैसे फेफड़े द्वारा हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा जो है फूल जाता है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा फेफड़ा चिपक जाता है। ठीक। तो फेफड़ा द्वारा हम सांस लेते हैं, अच्छी सांस को, अच्छी हवा को हम अंदर लेते हैं और गंदी हवा को बाहर छोड़ते हैं, किसके माध्यम से? फेफड़े के माध्यम से। किसके माध्यम से? फेफड़े के माध्यम से। अब हो गया बात आई आंत पे। किस पे? आंत पे। आंत एक मुड़ी हुई नली के समान होती है। आंत किसके समान होती है? मुड़ी हुई नली। जैसे इस तरीके से रहता है, ये चारों तरफ ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, पूरे शरीर में मुड़ा हुआ रहेगा, तो इस प्रकार हमारे शरीर के आंतरिक अंग में भी आंत है, यह मुड़ी हुई नली की भांति होती है। आमाशय और आंत भोजन को पचाने में मदद करते हैं, आमाशय और आंत भोजन को पचाने में मदद करते हैं और आंत पचाए गए भोजन से रस सोख कर, आंत हमारे शरीर में पचाए गए भोजन को सोख कर, भोजन का रस सोख कर रक्त में मिला देता है। किस में मिला देता है? रक्त में मिला देता है। हम अगर भोजन खाएंगे तो ये हमारा जाएगा आंत में, आंत के माध्यम से
इस रस के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे शरीर के आंतरिक अंग बिना रुके निरंतर रूप से कार्य कर सकते हैं। जैसे हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में